आई कम फ्रॉम अ फैमिली, लॉन्ग फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. अच्छा मतलब आपके मेरे मतलब पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं, मेरे दादा डॉक्टर थे, मेरे दादा के पापा भी डॉक्टर थे, एंड उनके राइट पापा वॉज लाइक अस हकीम टाइप के थे. राइट तो आई कम फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन ऑफ डॉक्टर्स. तो आई थिंक काफी ऑब्वियसली पहले ही डिसाइड हो गया होगा हाँ, आपका, मतलब वो थ्री इडियट्स वाला सीन होगा ना, जब वो कहते हैं कि मेरी लड़की डॉक्टर बनेगी। जो भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, जब आप फर्स्ट टाइम जितना पढ़ सकते हो, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ लो. लेकिन मैंने नीट का एग्जाम दिया, सो आई कैन टेल फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि सबसे ज्यादा ना अच्छे से आपको वही चीज़ याद आती है इवन ऑन द डे ऑफ एग्जाम जो आपने फर्स्ट गो में अच्छे से पढ़ी हो. चाहे आप कितने मल्टीपल रिविजन लगा लो, अगर आपने रोटेशन पहली बार में अच्छे से नहीं किया तो ठीक है, आपका अच्छा हो सकता है अगर आप मल्टीपल रिविजन लगा लो, बट सबसे ज्यादा अच्छा आपका वही टॉपिक रहता है जो आपने फर्स्ट गो में बढ़िया से किया हो. राइट जब भी आप फिजिक्स टीचर से डाउट्स पूछने जाएं तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि आप अपना पहले सॉल्व करें एंड टीचर से बोलिए कि इसने मेरी गलती कहाँ है एंड हाउ डू आई अमेंड दैट एंड बेटर दैट. तो उससे राइट आपकी अपनी स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रेटजी इंप्रूव इंप्रूव होगी। होगी. एंड जहाँ तक दोस्तों की बात है, मेरे तो लाइक हॉस्टल एक्सपीरियंस में मेरा दोस्तों का भी बहुत अच्छा रोल रहा है क्योंकि वो लोग सब सेम सेम जर्नी को गो थ्रू कर रहते हैं. राइट तो राइट हम लोग अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स आपस में डिस्कस कर लेते थे एंड लाइक हमें कंपटीशन था कि हाँ हमें बेटर करना है, बट हमें एक हेल्दी कंपटीशन था. मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं थी कि मेरे दोस्त के मुझसे कम आए, मेरा था कि मैं अच्छा करूँ वो भी वो अच्छा भी करे. अच्छा करेंगे सो लाइक इट वॉज लाइक ग्रोइंग टुगेदर. राइट। मेरे एक टीचर ने बोला था कि जब आप जाओ एग्जाम हॉल में, पेपर स्टार्ट करने से पहले जब आपके पास टाइम हो तो आंखें बंद करो और बस ये सोचो कि 2 साल आपने किया क्या है, 2 साल आपने क्या किया है और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन लोगों ने क्या क्या किया है आपके लिए और अब राइट आप उनके लिए क्या करने जा रहे हो। सो बी राइट थैंकफुल टू देम फॉर बींग इन एवरी पार्ट ऑफ योर राइट जर्नी, है ना, तो आपने एंड किया है बी सर। थैंकफुल टू योर ऑनेस्टी, थैंकफुल टू योर हार्डवर्क। राइट ये सब आपने 2 साल जो किया वो वेस्ट तो नहीं ही जाएगा। राइट सो उससे इतना पीसफुल फील हुआ कि मुझे बिल्कुल पेपर के टाइम एक भी मोमेंट बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं मिलने लगा। आप लोगों की रैगिंग कैसी थी? मतलब आई नो कि उसको शायद एक सोफिस्टिकेटेड टर्म दे दिया है जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं कुछ हमारे कॉलेजेस यहाँ नहीं में, बोलते, एम्स में मुझे नहीं नहीं पता बोलते. आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो कैसा था वो? मतलब आप बताइए अमृतांश। ज्यादा तो नहीं बता सकता मैं, बट इतना नहीं होता जितना मूवीज में दिखाते हैं। एग्जैक्टली बहुत लाइक ओवरहाइप है. हाँ, थ्री इडियट्स और मुन्ना भाई में जो दिखाया है वो तो बहुत ज्यादा है। आपके साथ क्या हुआ था, थोड़ा सा हिंट। थोड़ा बहुत क्लोज जाता है, बट वट एवर हैपेंस इट हैपेंस इन द डार्क। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेड टॉक्स, जहां पर हम लेके आते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। आज है हमारे साथ बरीरा और अमृतांश, जो दोनों ही इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली में पढ़ते हैं। बरीरा का स्कोर 710 था और उनकी ऑल इंडिया रैंक थी 42। वहीं अमृतांश का स्कोर 711 था और उनकी ऑल इंडिया रैंक थी 22। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी को। दोनों ने ही अपने पहले अटेम्प्ट में ही नीट को क्लियर किया था। तो मेरा पहला क्वेश्चन ही आप दोनों से ये है कि आपने कैसे डिसाइड और कब डिसाइड कर लिया था कि आपको डॉक्टर बनना है? मैंने तो आई थिंक बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बिकॉज साइंस में मेरा इंटरेस्ट आई थिंक प्राइमरी स्कूल से ही आ गया था, राइट। जब मोस्ट लोगों के फोकस में खेलना कूदना ही होता। अच्छा, बट शुरू से ही काफ़ी स्टूडियस थे। हाँ, यू कैन से दैट, ब्राइट स्टूडेंट थे। मे बी नॉट ब्राइट, मुझे स्कूल के एकेडमिक्स से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था जितना मुझे साइंस से प्यार था। डॉक्टर इज प्रोबेबली द बेस्ट यू कैन डू विद योर इंटरेस्ट। मैथ्स में नहीं था इंटरेस्ट? मैथ्स पे भी बहुत था, मैथ्स पे बहुत था, भी बट नॉट ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, देन जब मैं अपना माइंड सेट बना रहा था, बिकॉज उस टाइम पे आई डोंट नो वॉट, थोड़ा थोड़ा रिपल्शन हो गया मुझे मैथ्स से। बट यस, बायोलॉजी मेरा प्यार रहा है ऑल थ्रू द ईयर्स टिल दिस डे। ऑफकोर्स
Yes. वो समझ आ रहा है, मतलब नीट के जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर किया. Yes. Right, right, right. और आपका, आपने कब डिसाइड किया था? Like, मैं तो like I come from a family, long family of doctors. मतलब मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं, मेरे दादा डॉक्टर थे, मेरे दादा के पापा भी डॉक्टर थे एंड उनके पापा वॉज लाइक अस हकीम टाइप के थे. Right. तो आई कम फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन ऑफ डॉक्टर्स. जो करना चाहो करो, बट लाइक आप उस जब एनवायरमेंट में रहते हो एंड यू सी देम वर्क एंड आप देखते हो कि वो अपनी लाइफ से कितना खुश है. मतलब लाइक एक्चुअली डॉक्टर्स हैव लाइक ऑब्वियसली डॉक्टर बनना इज वेरी डिफिकल्ट. सब कहते हैं डॉक्टर बनते बनते बूढ़े हो जाते हैं, विच इज वेरी ट्रू, बिकॉज आपको 5 साल MBBS 5.5 ईयर्स करना पड़ता है, फिर PGN आजकल तो सुपर स्पेशलाइजेशन के बिना कुछ होता नहीं है, तो वो भी करना पड़ता है. सो ऑब्वियसली इट टेक्स लॉन्ग, बट द जर्नी इज ऑल्सो वेरी फन. मतलब हम लोग अपनी जर्नी अभी से स्टार्ट हुई है हमारे नाम, वी आर एंजॉइंग अ लॉट. तो वो सब देख के मेरे को बहुत था. तो आपको फैमिली में तो बता दिया होगा कैसी जर्नी रहने वाली है. एग्जैक्टली, मेरे पेरेंट्स अपनी हॉस्टल लाइफ डिस्कस करते थे मेरे सामने, अपनी कॉलेज लाइफ करते थे, उससे भी मेरे को काफी चार्म आता था. प्लस मेरे जो दादा थे तो उनसे आई वाज एक्चुअली वेरी इंस्पायर्ड, बिकॉज ठीक है मेरे पेरेंट्स आर वेरी गुड डॉक्टर्स, बट मतलब डॉक्टरी की तरफ जो पैशन मैंने अपने दादा में देखा वो मैंने आज तक किसी में नहीं देखा है. सो दैट वॉज वेरी इंप्रेसिव, बिकॉज वो एक्चुअली इंटरेस्टेड थे डॉक्टरी में. ही वॉज इंटरेस्टेड इन MBBS. मेरे जैसे कजन्स वगैरह जब MBBS में थे तो ही वॉज ईगर टू टीच देम, जबकि उनकी एज ही वॉज 60-70+ एट दैट टाइम. सो उन्हें क्या ही याद होगा, बट स्टिल उनको इतना प्यार था इस कोर्स से कि उन्हें अभी तक पैशन था. एंड ही डेली, मतलब वो हम लोग से सीखने को ट्राई करते थे. कभी मेरे को रैंडमली कॉल करके पूछ रहे कि बेटा RBC का शेप क्या होता है. सो उन्हें लास्ट तक वो पैशन टू लर्न था, तो दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट. तो यस, मेरा तो काफ़ी पहले से डॉक्टरी का था कि मेरे को MBBS लेना है. Obviously, also a very bright student. Sort of, yeah, I was a bright student at school. And plus, मेरा भी same case था कि I was interested in both maths and biology. But I realized कि passion मुझे biology के लिए ज़्यादा है than maths. Yes, right. I did end up choosing maths, अब like biology. And जो भी बच्चे लाइक stream choose करने में confused होंगे, उनको मेरी advice भी यही रहेगी कि जिस चीज़ में तुम्हें करने में खुशी मिले, it's not about what you score more in boards. That's not the deciding factor. What you enjoy doing is the deciding factor. Right. उस हिसाब से आपको choose करना चाहिए. आप first generation doctor हैं? Yes, मेरी family में. I mean, I think my pardada was an Ayurvedic doctor. Right. But yeah, formally trained doctors में I guess I am the first one. Okay. तो कैसा लगता है family में, मतलब to feel I am going to be the first generation doctor? बस दूर दराज के रिश्तेदार भी डॉक्टर साहब बुलाते हैं, भले ही अभी कुछ सीखा ना हो बट डॉक्टर साहब बुलाते हैं. कॉल तो नहीं आते अभी उनके कि इसकी दवाई बता दो, आने लगे ऑलरेडी. आ जाते हाँ, कुछ 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 बार ऐसा हुआ है. राइट. आपके पेरेंट्स किस चीज में स्पेशलाइज करते हैं? मेरे फादर लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट है. नाइस. तो काफी इंटरेस्टिंग है कि एक हमारे पास है जो जिनकी फैमिली पूरी डॉक्टर, जिनकी फैमिली में सब डॉक्टर्स है और एक फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है. एंड आई थिंक बोथ, दोनों ने जो आंसर दिया उसमें स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिलेगी ये डिसाइड करने में कि उनको स्ट्रीम कौन सा चूज करना है, क्योंकि आई थिंक सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन यही रहता है. आपको 10th क्लास के बोर्ड आपने दिए नहीं होते तो स्कूल एक फॉर्म पकड़ा देता है कि आप डिसाइड करो कौन सी स्ट्रीम लेनी है. एंड उस टाइम पे बच्चा सोचता है यार अभी तो मैंने सोचा ही नहीं है, तो इसीलिए. तो ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों ने दोनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स दिल्ली निकाला, ड्रीम कॉलेज है सभी नीट के लिए जो तैयारी करें उन स्टूडेंट्स का, तो आई एम श्योर कि एक प्रॉपर स्केड्यूल होगा जो आप लोग फॉलो करते थे, जो आपने 2 साल तक किया होगा उसी की वजह से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाए. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का 11th-12th में स्केड्यूल क्या रहता था, आप अटेंडिंग स्कूल से थे या नॉन अटेंडिंग से थे, कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी को कैसे टाइम देते थे? मैं तो नॉन अटेंडिंग स्कूल में था. राइट. एंड अबाउट स्केड्यूल, दैट हैज़ बीन माई बिगेस्ट इन मी सिंस आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग प्रॉपरली, बिकॉज मैंने बहुत बार ट्राई करा है एंड मम्मा पापा ने मुझे बहुत बार बोला है कि प्रॉपर स्केड्यूल के साथ पढ़ो, ऐसे हाफ असर्डी पढ़ने से कुछ हो नहीं पाएगा. बट मेरा जो माइंडसेट है बिल्कुल कंप्लायंट ही नहीं था उसके लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक आई कैन एवर फॉलो अ प्रॉपर स्केड्यूल. अगर किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, वाई डोंट आई डू दैट टू द फुलेस्ट, चाहे जितनी भी देर चल जाए. ओके. और किसी चीज़ में नहीं मज़ा आ रहा है तो वाई डू आई टैकल दैट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जब मैं कुछ और कर सकता हूँ. एट द एंड
एक वीक में मान लो मुझे इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, वो इधर उधर कंपनसेट हो जाएंगे. तो जिस चीज़ के लिए मेरा मन कंप्लायंट है, जो मुझे अभी अच्छा लग रहा है, मे बी अभी मुझे न्यूमेरिकल्स करने में मोमेंटम बन गया, तो मैं 100 न्यूमेरिकल्स एक बार में लगा दूँ, चाहे कितना भी टाइम लग जाए. ठीक है. तो आई लाइक टू वर्क इन दैट वे बिकॉज आई हैव टू बी इन लाइक इन द फेवर ऑफ माई बॉडी. मुझे उसको फोर्स नहीं करना, अदरवाइज मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी काम करने की. तो आपकी स्ट्रेटजी ये थी कि मुझे किसी चीज में मजा आ रहा है तो मैं उस पे अभी फोकस कर रहा हूँ पूरी तरह से. लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे चक्कर में काफी बच्चों के वीक टॉपिक तो छूट ही जाते हैं क्योंकि सोचते हैं बायो में तो मजा आ रहा है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स तो नहीं हो रहे, छोड़ देता हूँ. या मे बी हो सकता है ऐसा. तो वहाँ पे काम आ जाते हैं जब हम टेस्ट पेपर्स देते हैं, राइट. तो वहाँ पे पता चल जाता है कि मजे मजे में क्या छूट गया. तो अगर मैं आपका आइडियल, जब आप 11 12th में थे, आप स्कूल तो नहीं जा रहे, कितने घंटे कोचिंग होती थी, कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते थे, कितने घंटे सोते थे और कितने घंटे डिस्ट्रैक्शंस को टाइम देते थे? ओके, कोचिंग तो गई 6-7 आवर्स. 6-7 आवर्स किस कोचिंग में जाते थे? आकाश में. आकाश में जाते थे, राइट. ठीक है. सो उसके अलावा आई हैड टू गिव माई सेल्फ 1-2 आवर्स टू लाइक टेक अ ब्रेक, है ना. तो ब्रेक में क्या करते थे? एक घंटा सोना, एक घंटा दोस्तों से बात करना, पेरेंट्स से बात करना, right. सब कुछ. एंड उसके बाद मेरी स्टडी, मतलब आई थिंक 6-7 तक मैं वापस आया कोचिंग से. सुबह कितने बजे गए? सुबह 9 पे. 9 बजे गए, 6-7 बजे वापस आए कोचिंग से. तो आपका प्रोबेबली पूरा दिन वहीं पे निकल गया. हाँ, आधा दिन तो वहीं निकल गया. बट उसके बाद एज आई सेड, ब्रेक में फिर मेरा डिनर भी मैं जल्दी कर लेता था, अराउंड 7:30-8 के अराउंड कर लेता था. और उसके बाद मेरा ब्रेक टाइम वो हो गया. उसके बाद आई यूज टू स्टडी जब तक मन कर रहा है, जब तक बिल्कुल नींद चढ़ने नहीं लगे. जो यूजुअली मेरा 12-1 में नींद आने लगती थी, देन आई यूज टू गो फॉर स्लीप बिकॉज उसके बाद आई कांट अगेन पुश माई माइंड टू गो फॉर मोर. कितने घंटे सोते थे? हो जाता था मेरा 7-8 आवर्स नॉर्मली ले लेता था मैं. आई मतलब रेयरली मैंने नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है. कभी कभी ऐसा होता था कि नेक्स्ट डे कोई बड़ा टॉपिक आ रहा है और मेरा बिल्कुल कवर नहीं है, तब आई हैड टू गो फॉर यू नो एन ऑल नाइटर, राइट. ओके. एंड मैं कॉफ़ी पे भी इतना डिपेंडेंट नहीं था जितने मेरे बाकी बैचमेट्स थे कोचिंग में. एंड मुझे उतने ही रेयर ओकेजन पे यूज़ करनी पड़ी कॉफ़ी. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इतना कॉफ़ी पे मेरे राइट. ठीक है. तो बेसिकली 6-7 घंटे सोना, 6-7 घंटे की आपकी कोचिंग थी और 6-7 घंटे आप सेल्फ स्टडी को देते थे. हाँ. एंड 2-3 घंटे जो बचे वो डिस्ट्रैक्शन में या खाना खाने में वो आप करते थे. राइट. सोशल मीडिया पे एक्टिव थे? नहीं. एंड मैं नेटफ्लिक्स वगैरह देखता था ऑफकोर्स, बट मेरा ये रहता था कि मैं जितनी देर खाना खा रहा हूँ डिनर उतनी देर ही देखता था उस टाइम. हाँ, ऐसा नहीं कि एक एपिसोड आधे घंटे का है तो मुझे आधे घंटे फिनिश करना है एपिसोड को. रोक लेता था कि मेरा खाना खत्म हो गया तो एपिसोड भी खत्म हो जाना चाहिए. राइट. ठीक है. और आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? कितनी डिफरेंट थी इनसे? अटेंडिंग थी आप भी? अटेंडिंग नहीं, मैं तो नॉन अटेंडिंग स्कूल की थी. मैंने भी आकाश से कोचिंग की. मेरा भी दिन का मेजॉरिटी टाइम कोचिंग में जाता था. तो लाइक रफली यही रहता था कि मैं अराउंड 8-9 बजे घर से निकलती थी और 5-6 बजे वापस, मतलब घर क्या, मैं तो हॉस्टल में रही थी एक्चुअली. अच्छा, तो हाँ मैं 5-6 बजे वापस आती थी. तो हाँ मेरा भी यही रहता था कि मैं आती थी तो फिर ऑब्वियसली मैं सो जाती थी क्योंकि मेरे साथ आते ही पढ़ाई नहीं होती थी. आते ही हम लोग थोड़ा दोस्त आपस में बात करते थे, रिलैक्स करते थे, फिर उसके बाद हम सो जाते थे. एंड अराउंड 7:30-8 तक हम उठ के खाना वाना खा के उसके बाद लाइक 9-9:30 तक मैं पढ़ने बैठती थी. ओके. हाँ, तो बेसिकली मेरा तो रिक्रिएशनल टाइम यही था कि मेरे हम लोग हॉस्टल में रहते थे, साथ में दोस्त आपस में बात कर लेते थे. एंड दैट आई फील इज अ वेरी प्रोडक्टिव रिक्रिएशनल टाइम बिकॉज मेरे दोस्त भी सब आपके, अगर आपकी कंपनी आपकी साथ वाली अच्छी है, लाइक वो भी मेरे दोस्त सारे नीट एस्पिरेंट्स थे, सब पढ़ने में काफ़ी तेज थे, तो उसने हमारे डिस्कशन पर ऑलवेज लाइक मतलब हमेशा नॉन अकेडमिक नहीं होते थे, कभी कभार अकेडमिक डिस्कशन भी हम कर लेते थे. सो लाइक दैट वॉज लाइक ऐसा नहीं लगता था कि पूरा टाइम मेरा वेस्ट गया, कुछ मैंने काम की बात भी करी होते टाइम में. बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन दिस पर्सन जो जब भी खाली होता है, इट्स लाइक नीट ने मेरी मेंटालिटी बना दी कि जब भी मैं खाली हुआ स्टार्ट थिंकिंग ऑफ माय शेड्यूल, आगे का शेड्यूल कि हाँ मेरे को ये करना है, फिर मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है. राइट. सो एंड जो बात अमृतांश ने बोली, आई विल अग्री विद दैट कि एक स्टैगनेंट शेड्यूल बनाना बहुत मुश्किल काम है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है. okay.
अपने ऊपर वही कोई चीज़ फोर्स करना एंड देन उससे प्रोडक्टिविटी ना हो पाना क्रिएट्स मोर फ्रस्ट्रेशन आफ्टरवर्ड्स कि मेरा वो शेड्यूल पूरा नहीं हो पाया. सो उससे बेटर यही है कि यू सेट गोल्स एंड टारगेट्स एंड गोल्स एंड टारगेट्स भी हर लेवल पे सेट करो. कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हो आपके, कुछ लॉन्ग टर्म. कि लॉन्ग टर्म मान लो मेरा है कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो इस हफ्ते मेरे को फिजिक्स रिवाइज करनी है, मेरे को आधी फिजिक्स आधी केमिस्ट्री रिवाइज करनी है. फिर उसके दोस्त के डेली डेली गोल सेट करो कि आज मेरे को 5 चैप्टर करना है, आज मेरे को 5 चैप्टर करना है. इस तरह से आपको मतलब वही बात है कि अगर आपने एक स्टैग्नेंट शेड्यूल सेट किया तो अगर आप मान लो 1 घंटा आपको पढ़ने का सेट किया, आपको उसमें नींद आ गई, आप सो गए आधा घंटा, सो आपको बाद में फ्रस्ट्रेशन होगी मैं नहीं पढ़ पाया, मैं नहीं पढ़ पाया. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गोल सेट करना आई वुड प्रेफर. फेज के हिसाब से आप जिस भी प्रिपरेशन की जिस फेज में उसके हिसाब से आपका शेड्यूल वेरी करेगा. क्योंकि एक लिमिट के बाद अगर आप अपनी पसंद से चलोगे तो वही बात है टॉपिक ही छूट जाना है. हाँ. तो आपको अपने को फोर्स भी करना पड़ेगा एट पॉइंट. लर्निंग टाइम इज डिफरेंट, रिविजन टाइम इज डिफरेंट. उस टाइम आपकी स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल बदलनी पड़ती है रिविजन टाइम. एंड एट द सेम टाइम एक चीज मैं जरूर मेंशन करूंगी कि जो भी बच्चे अभी 11th या 12th का कोर्स पढ़ रहे हो, जो भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, जब आप फर्स्ट टाइम जितना पढ़ सकते हो जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ लो. लेकिन मैंने नीट का एग्जाम दिया, सो आई कैन टेल फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि सबसे ज़्यादा ना अच्छे से आपको वही चीज़ याद आती है इवन ऑन द डे ऑफ एग्जाम जो आपने फर्स्ट गो में अच्छे से पढ़ी हो. चाहे आप कितने मल्टीपल रिविजन लगा लो, अगर आपने रोटेशन पहली बार में अच्छे से नहीं किया तो ठीक है आपका अच्छा हो सकता है अगर आप मल्टीपल रिविजन लगा लो, बट सबसे ज़्यादा अच्छा आपका वही टॉपिक रहता है जो आपने फर्स्ट गो में बढ़िया से किया हो. तो जो लोग अभी पढ़ने वाले फेज में हैं उनके लिए मेरी बहुत स्ट्रांग एडवाइस है कि अपना जो भी पढ़ रहे हो एट दैट टाइम ओनली दैट मैटर्स, उसे अच्छे से पढ़ो. आगे या पीछे का अगर बर्बाद हो गया है उसे होने दो, जो आप पढ़ रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट, उसे अच्छे से करना है. क्योंकि आई थिंक कई बार ये होता है कि हम बैकलॉग रह जाते हैं कि बैकलॉग बन रहा है, तो प्रेजेंट वाला पढ़ पाते हैं ना, बैकलॉग क्लियर हो पाता है. एग्जैक्टली. तो उस टॉपिक पे भी मैं आऊंगा. अभी मैं आपका स्केड्यूल तो समझ गया. फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका एक वीक सब्जेक्ट तो जरूर होता है, आपका कौन सा था? आई गेस केमिस्ट्री. और आपका? मेरा as such कोई वीक तो नहीं था, नहीं था, बट ठीक है. हाँ, बट मेरे को फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी. हाँ. तो मैं फिजिक्स प्रैक्टिस ज्यादा करती थी. राइट. तो केमिस्ट्री के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? अगेन मतलब इतना वीक नहीं था, बट केमिस्ट्री से मेरी यही प्रॉब्लम थी कि ऑन वन एंड मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी, ठीक है, एंड ऑन दी अदर एंड मुझे बायोलॉजी मैंने जैसे बताया बहुत पहले से पसंद थी, ठीक है, केमिस्ट्री बीच पे कहीं छूट गई. ठीक है. तो उसके लिए मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि जहाँ नहीं समझ आए खुद का टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे. क्योंकि टाइम बहुत एसेंशियल है मेरी प्रिपरेशन में. मैं टीचर के पास जाऊँगा या फिर किसी बैचमेट को जिसको वो टॉपिक अच्छे से आता है मैं उससे पढ़ लूँगा. राइट. एंड मैं उसको रीइन्फोर्स करने के लिए एक मेरी ये सब में कॉमन स्ट्रेटजी रहती थी कि कोई भी मैंने टॉपिक पढ़ा, मैंने टीचर के कोचिंग के लेक्चर में सुना, उसे एक बार ब्रीफ रीडिंग करी मान लो, तो मैं उसको प्रॉपरली एनसीईआरटी से या फिर मॉड्यूल से पढ़ने के बजाय मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करूँगा बेसिक लेवल के. अच्छा, ठीक है. ताकि मुझे ये पता चले कि फर्स्ट बार जो मैंने सुना कितना रिटेन हुआ उसमें, और जो मिस हुआ उसमें वापस जाके पढ़ूंगा. क्योंकि प्रॉपर रीडिंग में इवेंचुअली कभी ना कभी तो दूंगा ही. बट इस टाइम पे मेरे ब्रेन ने क्या क्या ग्रैस्प किया, क्या क्या ग्रैस्प नहीं किया, उसकी मुझे क्विक एनालिसिस मिल जाएगी. तो ये केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल हुआ मेरे. फिजिक्स और बायो तो ऑटोमेटिकली समझ जाती थी, बट केमिस्ट्री में स्पेशली बहुत यूजफुल हुआ क्योंकि उसमें याद करने वाली चीज़ें भी हैं, उसमें सॉल्व करने वाली चीज़ें भी हैं, समझने वाली चीज़ें भी हैं. तो फिर ये चीज़ बहुत काम आती थी कि फर्स्ट सुनो क्या टीचर पढ़ा रहा है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और वहाँ पे क्या मिस हुआ वहाँ देख के आप प्रॉपरली पढ़ लो उसको फिर से. राइट राइट. उसके अलावा जो स्टैंडर्ड है अपना प्रॉपर एनसीईआरटी रीडिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, पीवाईक्यूज करना, वो सब स्ट्रेटजी रहती ही थी. राइट राइट. प्लस जो नहीं समझ आया मुझे, सपोज ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स, मैं उसको प्रॉपरली ड्रॉ करके लिखूंगा. बहुत डिलिजेंटली बनाया स्पेशली केमिस्ट्री में. बायो और फिजिक्स में फिर भी मेरा ऐसे चल गया काम क्योंकि बायो में एनसीईआरटी में ही लिख लेता मैं उस चीजें. बट केमिस्ट्री मैंने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के खास करके, क्योंकि फिजिकल तो मोस्टली सॉल्व करने वाला समझने वाला पार्ट है, वहाँ मुझे इतनी मतलब हार्डकोर मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो ऑटोमेटिकली ब्रेन में फॉर्मूले भी आ जाते थे प्रैक्टिस के थ्रू. बट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आर काइंड ऑफ लर्निंग और कॉन्सेप्ट वहाँ पे और डीप है. ओके. तो वहाँ पे स्टूडेंट से ये सुना है कि वो रटने वाले हैं बेसिकली ऑर्गेनिक. हाँ,
एग्जैक्टली इनऑर्गेनिक तो 100% रटना है एंड ऑर्गेनिक आपको काफी हद तक रटना है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंटुइटिव नहीं होती. फिजिकल फिर भी हो जाएगी, बट ऑर्गेनिक नहीं होती. तो इसलिए वहां पे मैं प्रॉपर उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ. मैं उसकी मैकेनिज्म ड्रॉ करूंगा, कोई मैकेनिज्म के बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन है तो वहां भी मैं मैकेनिज्म को ड्रॉ करके उसे सॉल्व करूंगा. क्योंकि इवेंचुअली इंट्यूशन कैसे बनेगी जब मुझे उसकी हैबिट हो जाएगी. तो यहाँ पे आई थिंक किसी भी टॉपिक को बहुत डीपली समझने के लिए जब आपके एक तो क्लास में पढ़ा दिया उसके बाद एक आप अपने नोट्स बनाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस, तभी आपको समझ आया कि वो मुझे कितना समझ आया. और आपकी फिजिक्स को लेके क्या स्ट्रैटेजी थी? फिजिक्स को लेके मेरी स्ट्रैटेजी तो ये थी, सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि जिस दिन, सबसे पहली बात तो फिजिक्स में आपका टीचर से कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए. बिकॉज फिजिक्स जैसे कि कुछ लोग को नेचुरली आती है, बट जैसे मुझे फिजिक्स ऐसा नेचुरली, कुछ लोगों को इंस्टिंक्ट होता है हर किसी का, हर सब्जेक्ट, कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए इंस्टिंक्ट होता है. मुझे केमिस्ट्री के लिए इंस्टिंक्ट था बट मुझे फिजिक्स के लिए उतना इंस्टिंक्ट नहीं था. तो फिजिक्स में मैंने देखा कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मेरा फिजिक्स की टीचर से बहुत अच्छा कनेक्शन था. मतलब टीचर पढ़ाते भी अच्छा थे एंड वो मेरी बात समझते थे, वो मेरा तरीका समझते थे. व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि जैसे फिजिक्स में आपको मान लो टीचर ने आज मोशन पढ़ाया, तो आप घर जाओ, घर पे जो टीचर ने पढ़ाया आपने क्लास में जो भी नोट्स लिए उनको रिवाइज करो, अपने तरीके से समझो एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस. एंड जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया उस दिन मैं उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती थी. जितनी भी बुक्स थी मेरे पास उनसे मैं ट्राई करती थी कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस कवर कर दूँ. मैं बस PYQs छोड़ देती थी कि PYQs में सारे टॉपिक, जब मेरे पूरा चैप्टर होता था तब मैं एंड में PYQs को एज अ टेस्ट यूज करती थी. क्योंकि PYQs आर मिक्स्ड, तो मिक्स फॉर्म में होता है क्योंकि एक टॉपिक आपने किया तो आपको पता है कि हाँ इसी टॉपिक का क्वेश्चन मेरे को आज करना है, तो दैट योर माइंड इज ट्रेन फॉर दैट कंफर्टेबल वे. बट जो आपके पास मिक्स में क्वेश्चन है कभी कभी फिजिक्स में वो चीज़ दिक्कत कर जाती है बिकॉज एक क्वेश्चन में दो कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, मैग्नेटिज्म का भी हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हो रहा है. तो उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैं PYQs को एंड में करती थी चैप्टर के. एंड मेरे को एक चीज़ भी बहुत लाइक मैंने अपने एक्सपीरियंस से लर्न करी है कि जब आप टीचर से डाउट पूछने जाओ तो डाउट पूछने का तरीका ऑल्सो मैटर्स. लाइक एक होता है कि आप टीचर के पास गए, आपको क्वेश्चन दिया, आपने टीचर को क्वेश्चन दिया कि सर ये सॉल्व करके दे दो, टीचर आपको सॉल्व करके दे देगा, आप उस तरीके को समझने की कोशिश करोगे. मैं ये नहीं करती थी, मैं ये करती थी कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, मैं गलत सॉल्व करती थी, मैं टीचर के पास सोल्यूशन लेके आती थी अपना, मैं उनको बोलती थी सर ये मेरा सोल्यूशन है, इसने बताओ दिक्कत कहाँ पे हो रही है एंड मैं उसे कैसे इंप्रूव करूँ. ताकि इससे दो एडवांटेज हैं, एक तो टीचर मेरा तरीका समझेगा कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को परसीव करती हूँ, तो टीचर मुझे उसी तरह से क्वेश्चन को समझाएगा एंड वो जानेगा कि हाँ बरीरा थिंक्स दिस वे, तो बरीरा को मुझे इस तरीके से पढ़ाना है. और दूसरा तरीका ये क्योंकि एक्चुअल में जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री किसी का भी, आपका जो एक इंस्टिंक्ट है, आपका जो एक नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग है, आप उसी तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे. अगर आपकी आदत है सेकंड इक्वेशन लगाने की तो कभी कभार आप थर्ड में भी सेकंड लगाने की कोशिश करोगे और आप जनरल क्वेश्चन में अपने वे से जाओगे. ऐसे में नया वे सीखना, टीचर का तरीका सीखना इज मोर डिफिकल्ट, बट अपने तरीके में गलती आइडेंटिफाई करना इज एन ईजियर वे एंड उससे आपका दिमाग बेटर तरीके से ट्रेन होगा. तो जब भी आप फिजिक्स टीचर से डाउट्स पूछने जाएं तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि आप अपना पहले सॉल्व करें एंड टीचर से बोलिए कि इसने मेरी गलती कहा है एंड हाउ डू आई अमेंड दैट एंड बेटर दैट. तो उससे आप ही अपनी स्ट्रेटेजी बहुत इंप्रूव होगी. अच्छा, एक फिजिक्स को लेके बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे जी, फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है. मेरा ओपिनियन ये है कि देखिए डिफरेंट है, अब देखिए हर बच्चे के लिए अलग होता है. अच्छे से मैंने पढ़ी थी बट हमारा ऐसे, आप ये इंटरव्यू कई तरह के बच्चे देख रहे होंगे, तो सबसे पहला तो फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है कोड न्यूमेरिकल्स एंड PYQ प्रैक्टिस एंड NCERT के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब बेसिक से लेकर एडिशनल तक सारे एक्सक्लूडिंग एग्जाम्पल मेन NCERT के और सॉल्ड एग्जांपल्स भी, वो कई बार देखा गया कि नीट में डायरेक्टली आ गए. एडिशनल मतलब एडिशनल कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं. हाँ, बट जो बेसिक क्वेश्चन है वो वहां तक और सॉल्ड एग्जांपल्स वो डायरेक्टली आ गए. एग्जैक्टली, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना तो इंपॉर्टेंट है, बट फिजिक्स में यही बात है कि सबसे पहला फोकस इज क्वेश्चन. थ्योरेटिकल भी आता है बट पहले आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पे भी दिक्कत कर रहे हो, तो उनके लिए तो बेस्ट एडवाइस ये है कि ढेर सारे न्यूमेरिकल्स डेली के डेली प्रैक्टिस करो. एक बार आपका फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग हो जाए तो आप NCERT की रीडिंग लगा सकते हैं. NCERT की रीडिंग भी आपको स्मार्टली करनी, क्योंकि फिजिक्स की NCERT बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत बड़ी लिखी हुई है. 12th की NCERT मुझे फिजिक्स की पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगी 11th से, क्योंकि 11th में लाइक काइनेमैटिक्स वाला जो पूरा यूनिट है उसमें NCERT पढ़ने की मुझे थोड़ी कम सिग्निफिकेंस लगी. बट 12th में जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स लाइक मैग्नेटिज्म आ गया, इन सब में कैपेसिटर वाला चैप्टर, इन सब में NCERT से बहुत हेल्प होगी, क्योंकि इससे आपको NCERT का कंसेप्ट समझ में आएगा ना, तो आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका समझ आएगा.
बट आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले इंसान अपना न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करे, तभी एनसीईआरटी की रीडिंग पे जाए. एंड एनसीईआरटी की रीडिंग भी स्मार्टली करे, उसमें दुनिया की कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही पढ़ने की जरूरत है. लाइक उसमें हिस्ट्री, बायोग्राफी, साइंस की वो सब लिखी रहती है. एंड कभी कभी डेरिवेशन पे वो बहुत ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं, तो उतना नीट में बिल्कुल काम नहीं आएगा आपको. भाई कोई अपने इंटरेस्ट के लिए पहली बार पढ़ रहा हो वो पढ़ सकता है, बट हर किसी को ये एवेलुएट करना बहुत जरूरी है कि उनके पास कितना टाइम है, वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं एक्सपेंड करने को. क्योंकि और अगर मेरे से एनसीईआरटी का आप लेवल पूछो तो मैं ये कहूंगी कि बायो एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना इज वे वे मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिक्स की पढ़ना. तो जिनका ये सब एनसीईआरटी ऑफ बायो केम एंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए हो, वही फिजिक्स की एनसीईआरटी पे जाएं. तो बेसिकली मैं फिजिक्स का चैप्टर खोला मैंने पहला, और मैं सबसे पहले क्वेश्चंस देखूं. सबसे पहले आप टीचर से चैप्टर समझो. मैंने टीचर से चैप्टर समझा. आप अपने नोट्स बनाओ टीचर के जो समझाए हैं एंड उन्हें रिवाइज करो. ठीक है, और उसके बाद मैं क्वेश्चन लेके बैठ क्वेश्चंस लेके बैठ जाओ एंड क्वेश्चन पे क्वेश्चन करो. ऐसा भी नहीं है कि आपको प्रॉपरली पेन से सॉल्व करना है. उसमें एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होती है क्वेश्चन में डालने के लिए बहुत इरिटेटिंग सी होती है, कैलकुलेटर से कर लो. आपको फॉर्मुला अप्लाई करना आना चाहिए. एक्जैक्टली, एनसीईआरटी में वैल्यूज बहुत खराब होती है. नीट के एग्जाम में कभी खराब वैल्यूज नहीं आती, बहुत अच्छी प्यारी वैल्यूज आती है एक्सेप्ट एक आध क्वेश्चन. तो उसके लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लगाने में मान लो वो ऐसे 3.566 दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने में आधा घंटा लगा दे, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. उसमें कैलकुलेटर यूज करना. मुझे यही समझ आया कि एक तो स्मार्टली पढ़ना बहुत जरूरी है, दूसरा ओपिनियन या वेरी कर रहा है जहां पे अमृतांश कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है पढ़ना. मुझे तो लगा क्योंकि लाइक नीट के क्वेश्चंस में यूजुअली ऐसे आते थे कि क्विक न्यूमेरिकल्स होता है, राइट. ऐसे नहीं कि डिटेल्ड आए, रेयरली आए हैं. 16-17 के पेपर्स जो थे उनमें आए थे, वो जेई मेन के लेवल को छू जाते हैं कभी कभी, राइट. बट मोस्टली क्वेश्चंस आते आते जो क्विक न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एट द मैनी ऑफ द टाइप्स, राइट. बट कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अभी उनकी प्रेवलेंस बढ़ने लगी. हाँ, रिसेंटली बढ़ने लगी है, राइट. 22 के पेपर में तो बहुत ज्यादा आए थे. एग्जैक्टली. एंड उसमें भी एक आई थिंक स्प्रिंग का क्वेश्चन था, दो डिफरेंट मटेरियल्स का दिया था, फेज 2 में था वो. हाँ, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी के असम्पशन क्वेश्चन से था. प्लस हाँ, इफ यू स्टडी द टेबल्स जो उस पर डेटा दिया है, इतना टाइम है नहीं कि आप पूरा ऑर्डर बना के याद करो. इनऑर्गेनिक में बहुत काम करना है, वो सब फिजिक्स में भी करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा. बट एटलीस्ट जो कंपैरेटिव क्वेश्चंस एनसीईआरटी में पीछे दिए हैं कि कौन सी स्ट्रिंग ज्यादा स्प्रिंग ज्यादा इलास्टिक होगी, कॉपर की या स्टील की, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो वो डायरेक्टली वहां से उन्होंने उठा दिया. कुछ फेरबदल नहीं किया उसमें कि कोई और मेटल दे दिया. तो एटलीस्ट उतना तो देखो कि जो प्रोमिनेंट मटेरियल्स हैं आपके पास, राइट. जैसे बल्क फिजिक्स में ये हो गया, मॉडर्न फिजिक्स में आपको कई सारे फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे क्योंकि वो काफी सारा रटने वाला पार्ट है, क्योंकि उसकी जो मैथमेटिकल पार्ट है वो इस लेवल पे वो इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, वो हायर एजुकेशन में चले जाते हैं. आपको वहां पे जो रिटन फैक्ट्स हैं वो काम आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते. ये कर सकते हो कि आपने थोड़ा स्मार्टली, जैसे बरीना ने कहा कि 12th की उसे अच्छी लगी, अच्छी इसलिए भी लगी क्योंकि वो यूजफुल भी ज्यादा है. एग्जैक्टली, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैथ्स से नहीं समझाई है, बातों से समझाई है. राइट राइट, ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर ज्यादा अच्छा होता है. और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि पेरेंट्स का या फ्रेंड्स का कितना बड़ा रोल होता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, स्पेशली ड्यूरिंग दोज इयर्स 11th एंड 12th. आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल था? मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा रोल है, मतलब लाइक आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू देम, बिकॉज मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि मेरा जो बेस्ट रिलैक्सेशन टाइम है मैं बहुत बात करती हूँ. तो मेरे लिए बेस्ट रिलैक्सेशन टाइम इज टॉकिंग टू पीपल, लाइक लोग. कभी मैं फ्री होती हूँ तो मैं अपने किसी दोस्त को कॉल कर लूँगी रादर देन ओपनिंग यूट्यूब और समथिंग, बिकॉज मेरे लिए बेटर रिलैक्सेशन वो है, मैं किसी दोस्त को टेक्स्ट कर लूँगी. सो लाइक मेरे पेरेंट्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी पेरेंट्स और मेरी सिस्टर लोग, हम लोग को बहुत, मेरे को बहुत सपोर्ट दिया है पूरे टाइम. लाइक मेरे को कभी मान लो कोई काम है तो दे ऑलवेज ट्राइड कि नहीं मेरे को कोई काम ना करना पड़े, एंड दे ऑलवेज गेव मी कि नहीं तुम पढ़ो सुकून से. एंड दे लाइक कभी लाइक इवन लाइक ये बात मुझे नहीं अच्छी लगती, बट कई बार फैमिली में कोई इशू है वो भी मेरे को नहीं बताएंगे ताकि मेरे ऊपर मेंटल स्ट्रेस ना पड़े. ऑल्दो आई डोंट लाइक दैट, बट उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट वही था, तो उन्होंने वो किया. मेरे पेरेंट्स का तो बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, मैं पूरे टाइम हॉस्टल में रही, मेरे पेरेंट्स वर वेरी कोऑपरेटिव ऑफ द फैक्ट. मैं जबकि क्योंकि लाइक दे यूज टू कॉल मी, तब वो मेरे को खुद कॉल नहीं करते थे बार बार, मेरे को अलाउ करते थे कि जब तुम फ्री हो ना तुम कॉल करना. ऑल्दो बोथ ऑफ देम वर डॉक्टर्स, ऑब्वियसली वो भी फ्री नहीं रहते थे, बट दे ऑलवेज मेड टाइम फॉर मी.
और मेरी बहन भी लाइक ऑब्वियसली छोटे भाई बहन को आप बड़े भाई बहन का ही होता है कि आपसे छोटे भाई बहन को तंग कर लिया, इधर उधर परेशान कर लिया, सो उसने भी वो मेरे को काफ़ी हेल्प होती थी। एंड जहाँ तक दोस्तों की बात है, मेरे तो लाइक हॉस्टल एक्सपीरियंस में मेरा दोस्तों का भी बहुत अच्छा रोल रहा है, क्योंकि वो लोग सब सेम जर्नी को गो थ्रू कर रहे थे, तो हम लोग अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स आपस में डिस्कस कर लेते थे। एंड लाइक हमें कंपटीशन था कि हाँ हमें बेटर करना है, बट हमें हेल्दी कंपटीशन था। मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं थी कि मेरे दोस्त के मुझसे कम आए, मेरा था कि मैं अच्छा करूँ वो भी अच्छा करे, सो लाइक इट वॉज लाइक ग्रोइंग टुगेदर, राइट वॉज वेरी प्रोडक्टिव। क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी, तो मैं और मेरा एक दोस्त हम लोग जाके कोचिंग में सेल्फ स्टडी करते थे, तो हम लोग बेसिकली जब साथ बैठ के पढ़ते थे तो एक दूसरे पे चेक भी रहता था कि दूसरा बंदा सो तो नहीं रहा, एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन भी रहता था। मान लो कभी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मेरे को उसको देख के लगता था यार देखो वो तो पढ़ रहा है, मैं कैसे ना पढ़ूं, तो फिर मैं भी पढ़ती थी। right. तो वो एक लाइक कंपटीशन के साथ साथ एक हेल्दी फीलिंग जो आ जाती है ना, वो बहुत प्रोडक्टिव होती है। राइट, आई थिंक कॉम्पिटिटिव होने के साथ साथ जरूरी है समझना एक दूसरे। एग्जैक्टली, एंड जब लाइक नीट वाला जो फेज होता है उसमें बच्चे बहुत कॉम्पिटेटिव होते हैं, बहुत टॉक्सिकली कॉम्पिटेटिव भी कई लोग होते हैं, हर फेज में ही होते हैं, हर नहीं, बट आपको पता है आप जब बच्चे कॉलेज आएंगे तो उन्हें रियलाइज होगा कि अगर वो ऐसे कॉम्पिटेटिव बने रहे तो उनका पूरे लाइफ कॉम्पिटिशन और रैट रेस में निकल जाना है। लाइक सो आपको कभी एक बार लॉन्ग रन में भी सोचना चाहिए हमेशा, एक लाइक ठीक है नीट इज अ वेरी बिग गोल इन योर लाइफ, बट नीट के आगे भी बहुत बड़ी लाइफ है, सो दैट यू विल रियलाइज धीरे धीरे। अभी तो ये थोड़ी ज्यादा बच्चे आते हैं, बट हाँ धीरे धीरे रियलाइजेशन होते हैं। मेरा तो ऐसा था कि कभी कभी मूड ख़राब हो जाता था तो मैं बात ही नहीं करता था, लेकिन मम्मी का ये था कि दिन में दो बार तो बात करनी ही है। अच्छा, हाँ मैं भी हॉस्टल में रहता था इन दिल्ली, तो मम्मी का ही फ़ोन आ जाता था, एंड ऑफ कोर्स माँ होती उनको पता चल जाता था क्या हुआ है। लाइक कभी थोड़ी सी परफॉर्मेंस डिप करी, किसी दोस्त की ज़्यादा दिख गई परफॉर्मेंस हम मुझसे अच्छी आती है, ये कैसे हो गया, मुझे टॉप पे रहना है, वही कंपटीशन। राइट, तो वही है, फिर मम्मी से बताता था कि ये लग रहा है वो लग रहा है, तो हाँ वही रियलाइज़ करवाती थी मम्मी कि अभी तो बहुत टाइम है, सही तो कर रहे हो, अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, इतना ऊपर नीचे चलता है, उस दिन के बारे में सोचो वो अच्छा जाना चाहिए बस, अभी जो कर रहे हो वो इतना तुम उतना मैटर नहीं करता। एंड लाइक मेरा भी छोटा भाई है तो वो कभी अपनी स्कूल की बातें बता देगा, कभी अपनी दोस्तों की बातें बताता, तो मन हल्का हो जाता था, दोस्तों के साथ बैठ जाता था, किसी साथ में दोस्त की उसकी भी परफॉर्मेंस खराब हुई तो दुखड़ा बांट लेते थे। ये बहुत अच्छा होता है। राइट, तो आई थिंक नीट की तैयारी करते हुए जरूरी नहीं है कि आप सबसे कट ऑफ हो जाओ और अपनी एक अलग दुनिया बना लो, नहीं वो बहुत हार्मफुल होगा अगर आप कट ऑफ हो, क्योंकि नीट का एक्चुअली प्रिपरेशन कैन गेट क्वाइट टॉक्सिक। राइट, हाँ तो उससे बचने के लिए आपको होना चाहिए, मतलब यू शुड हैव योर पीपल जिनके पास आप जा सको, जिनसे आप खुल के बात कर सको, सब बता सको। एंड अगेन हेल्दी कंपटीशन की बात जहाँ आती है, दोस्तों से आपका ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आपने कुछ करने का कोई कुछ टॉपिक करने का ट्रिक इन्वेंट किया है पर्सनली, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का शॉर्टकट आपने डिवाइस किया है, तो ऐसा नहीं है कि आप दोस्तों को शेयर मत करो। Exactly. एक तो आप शेयर करोगे उससे आपका खुद वो स्ट्रेंथन होगा कि आपने अच्छे से बात समझ ली, ऊपर से उसकी भी हेल्प होगी, एक ट्रस्ट भी बन जाएगा, अगर उसने कुछ करा तो वो आपको बताएगा। Exactly. तो दोनों का ही फायदा हो रहा है। वही पहले मेरे दिमाग में भी ये चीज बहुत रहती थी कि अगर मुझे कोई ट्रिक पता चल गई तो नहीं, अब ये तो मेरी ट्रिक है, इसमें मेरा कॉपीराइट है, मैं किसी को नहीं बताने वाली, बट धीरे धीरे इन द लॉगिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, हर किसी को कभी ना कभी वो चीज पता चल जानी है, तो ऐसे अपने पास छुपा के रखने से कोई फायदा नहीं, तो इन द लॉगिन मुझे भी 11th 12th में आके रियलाइज हुआ कि सब बहुत छोटी बातें हैं यार, सब लोग को साथ में पढ़ना है, साथ में आगे बढ़ना है, और कोई चीज कई आजकल यूट्यूब पर 10 वीडियो डाले होते हैं ट्रिक्स एंड टिप्स के, तो हर किसी को हर चीज अवेलेबल है। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ एम्स में आने के लिए रोज कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, आपने अपनी 2 साल की जर्नी में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे अप्रॉक्सिमेटली? अब ऐसा तो कोई वो नहीं है, बट आई गेस पर सब्जेक्ट 50 पर डे, पर टॉपिक पर सब्जेक्ट 50, तो हर रोज का मैं मान के चलूं तो कितना हो गया, 150 क्वेश्चन आप लगा दे रिवीजन, हां रिवीजन पीरियड में आई गेस हां 100-150 रोज के क्वेश्चन एमसीक्यूज एवरी डे। यस एक्सीलेंट, और आप एवरेज में? अगर मैं अपनी डेली डेज की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि जो जो टॉपिक मेरे को पढ़ाया था मैं उसी दिन उसके एमसीक्यूज लगा दी थी, तो मान लीजिए अगर मैंने दिन में 3 टॉपिक पढ़े तो मैं 3 टॉपिक के कम से कम 50 एमसीक्यूज तो लगा ही लेती थी, बायो का ज़्यादा कम होता होगा
मतलब वेरी करता है टॉपिक टू टॉपिक. एंड इवन लाइक रिवीजन पीरियड में ऐसे अमृताश ने कहा डेली के 100-150 क्वेश्चंस तो मिनिमम लगाने हैं. एंड दैट वेरीज. हां टॉपिक की कॉन्फिडेंस पे भी डिपेंड करता है. बायो के तो आप 1 घंटे में 200 लगा सकते हो अगर आपको आता है. बट एट द सेम टाइम फिजिक्स में आप वो चीज नहीं कर सकते. फिजिक्स में आई गेस 50 बायो के 150 के काफी होते थे. उसका एक्सपोजर मिल जाए. ऐसा नहीं कि आप सेम एक छोटे कॉन्सेप्ट है मान लो 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स है उसी के सेम टाइप के क्वेश्चन आप बार बार करे जा रहे हो कह रहे हो कि मैंने बहुत क्वेश्चन एग्जैक्टली दैट इज नॉट प्रोडक्टिव. आजकल तो जैसे कि अजर्शन रीजंस भी काफी आने लगे हैं तो उस तरह के क्वेश्चन हर तरह के जैसे बोला ना हर टाइप के क्वेश्चन को एक्सपोजर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपको अगर कोई चीज फर्स्ट टाइम एग्जाम में थ्रू आउट होती है ना तो उतना जल्दी आप नहीं सोच पाते. एंड नीट के एग्जाम में टाइम ना एक बहुत प्यारी चीज है. टाइम मतलब टाइम कैन ईदर मेक और ब्रेक योर गेम. क्योंकि कर हर कोई ले जाएगा बट उस 3 घंटा 20 मिनट में कर पाना दैट इज डिफिकल्ट. एंड नीट में एक बात ये भी है कि जैसे कि अगर आप जेई हम लोगों ने जेई का भी एग्जाम अमृताश ने भी दिया होगा मैंने भी दिया था तो जेई के एग्जाम में क्या होता है ना कि जो भी फॉर्मेलिटीज होती है थंब प्रिंट या चेकिंग ये सब एग्जाम के पहले हो जाता है. नीट में उसी 3 घंटा 20 मिनट में आके वो आपका थंब प्रिंट भी लेंगे आपसे 2-3 बार थंब प्रिंट लगवाएंगे आपका वीडियोग्राफी भी करेंगे सब उसी 3 घंटा 20 मिनट में. या एंड दैट इज हाउ नीट वर्क्स. वो सबके साथ होता है तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आपका आराम से 10-20 मिनट उसने भी जाना है. सो यू शुड बी इन दैट मेथोडोलॉजी कि आपको क्योंकि अगर आपका एग्जाम के दिन टाइम कम पड़ेगा और आपको टाइम की टेंशन हो गई तो आपके आगे के क्वेश्चंस भी खराब हो जाएंगे. अच्छा मॉक टेस्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आप लोग मॉक टेस्ट में क्या स्कोर कर रहे थे? मॉक टेस्ट की मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंस है. कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे आपने? मैं मानूं कि जैसे अब 4 महीने रह गए हैं नीट में, 3 महीने रह गए हैं, तो जब आपके टाइम पे इतने महीने रह गए थे तो आप कितने मॉक टेस्ट देते थे, क्या फ्रीक्वेंसी रहती थी? मैं अगर जैसे कि नीट के 1 महीने पहले की या 2 महीने पहले की बात करूं तो मैं ट्राई करती थी 1 दिन में 2 दे दूं मॉक टेस्ट तक. दे दो राइट ओके. क्योंकि देखिए मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी कि मेरी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी थी सो मेरे पास वो टाइम था क्योंकि और फिर मेरे को ना एट अ पॉइंट समझ जाता था कि मेरा वीक टॉपिक क्या है तो मेरे को वीक टॉपिक टेस्ट देके आइडेंटिफाई होता था. तो मेरे को तो मेरे हिसाब से तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक अगर मान लो जैसे कि अब नीट ने बहुत टाइम नहीं बचाया 3-4 महीना बचा है जो भी है तो उस वाले जाके बस कम टाइम बचता है तो आपको कंसेप्ट आने से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना आना इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म नहीं आता कोई बात नहीं आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए क्योंकि दैट इज नॉट द टाइम जब आप मैकेनिज्म देखो. मैकेनिज्म से अमृताश बोला मैकेनिज्म देखे करता वो तब करता होगा जब वो ऑर्गेनिक पढ़ रहा था नॉट इवन जब उसके पास 2 महीना बचा है उसे ऑर्गेनिक नहीं आती तो वो मैकेनिज्म पे नहीं जाएगा उस टाइम. तो उस टाइम क्वेश्चन सॉल्व करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड क्वेश्चन सॉल्व करना आना एंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आना. एमसीक्यू प्रैक्टिस इज वन थिंग एंड टाइम प्रैक्टिस ऑफ अ टेस्ट इज वन थिंग. आपको उसी 3 घंटा 20 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए विद ओएमआर विद क्लासरूम में बैठ के वो जो एनवायरनमेंट होता है ना वैसा बहुत जरूरी है. एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज्यादा जरूरी है राइट जी. आप क्या स्कोर करते थे मॉक टेस्ट में? स्कोर मेरा यूजुअली 700 के अराउंड हवर करता था. हमेशा करता था. हाँ लास्ट के मंथ में स्पेशली लास्ट के मंथ में. उससे पहले काफी फ्लक्चुएट करा है. लोएस्ट कितना आया होगा? लोएस्ट 650-660 है. राइट राइट राइट. अच्छा तो हर मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज करना कितना जरूरी है और आप करते थे क्या? हाँ एनालाइज करना बहुत जरूरी है. आई वोंट लाई मेरा मिस हो जाता था कई बार क्योंकि टॉपिक्स कवर करने का प्रेशर रह जाता था. बट ये हैबिट हो गई थी कि हम इतने मॉक टेस्ट दे देते थे कि अगर 1-2 पीछे मिस भी हो गए तो आगे में वो सब गलतियां जो थी वो सब मिल जाती थी हमें. कहीं ना कहीं हमने अगर पहले उसको एनालाइज करने में मिस कर दिया वो क्वेश्चन फिर आएगा हम वो फिर नोटिस नहीं करेंगे वो फिर क्वेश्चन दिख जाएगा है ना. तो ठीक है आइडियली हमें हर पेपर का हर क्वेश्चन का करना चाहिए. एंड इवन ऐसा करना चाहिए हमें कि ऐसा नहीं कि बस जो क्वेश्चन छोड़े हैं या बस जो गलत हुए हैं पेपर के बाद उनका एनालिसिस कर रहे हैं. पेपर के बीच में जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए भी फंस गए एक गो में नहीं हुआ उनको भी हमें देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या मेंटालिटी में ऐसी गड़बड़ी आई कि वहाँ पे हमें रुकना पड़ा. राइट क्योंकि वो हम ब्रेक्स को नीट के टाइम तो अफोर्ड कर नहीं सकते. अगेन टाइम क्रंच बहुत बड़ा है. राइट 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 राइट. तो इसलिए जरूरी है. तो आई थिंक एक क्लासरूम फॉर्मेट में मतलब क्लासरूम में बैठ के उस एनवायरमेंट में बैठ के टेस्ट देना बहुत जरूरी है. सेकेंडली मॉक टेस्ट को एनालाइज करना उतना ही जरूरी है जितने का मॉक टेस्ट देना जरूरी है. तो ये मत सोचिए कि मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा तभी मैं दूंगा. आई थिंक सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा. जितना आप दे सकते हो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वो तो की है. तो आपने काफी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की अपनी 11th और 12th की जर्नी.
फाइनली अब नीट एग्जाम का दिन आ चुका है, तो वो दिन कैसा था? मतलब मैं आप दोनों का एक्सपीरियंस सुनना चाहता हूँ. दिन बहुत लिबरेटिंग था, सुबह के टाइम बहुत लिबरेटिंग था कि अब हो गया, अब जा रहे हैं, अब हो गया. तो सुबह मैंने ये रखा था मन में कि मैं इनऑर्गेनिक एटलीस्ट रिवाइज करके जाऊंगा. मैंने क्योंकि पिछले दिन ही कुछ नहीं पढ़ा था. ठीक है. क्योंकि मुझे मेरा ये हमेशा रहता है जब भी कोई भी बड़ा एग्जाम दूं, आई विल नॉट स्टडी द डे बिफोर. बट मैंने ये रखा था चलो ज्यादा ही बड़ा एग्जाम है तो थोड़ा तो रिवाइज कर लेते हैं. डर लगता है ना कि कहीं कुछ छूट ना गया. हाँ हाँ. तो मैंने वॉल पे लगा रखे थे मैंने इनऑर्गेनिक के छोटे छोटे नोट्स, एंड आई ओनली रिवाइज दैट और कुछ नहीं. एक घंटे में वो हो गया ब्रीफली, मेरा ट्रेंड्स एंड एवरी फैक्ट्स वगैरह छोटे मोटे वो रिवाइज हो गया. फिर मेरी दिन भर बिल्कुल मैं काम था. अच्छा? जैसे ही आई वेंट टू द टैक्सी फॉर गोइंग टू माई एग्जाम सेंटर, आई वेंट इन टू अ शॉक. Oh shit, this is real now. Realization होता है ना कि shit, the moment is here. हाँ, exactly. But जब वहाँ गया तो automatically थोड़ा काम लगा. And लकी बात ये थी कि वो environment मेरे लिए थोड़ा comfortable था, because वो coincidentally मेरा पुराना स्कूल था. तो यस, वहाँ गए, एक दो पुराने टीचर्स की शक्ल देखे, एक दो पुराने दोस्त भी दिख गए. तो हाँ, वहाँ पे मैं गया, बैठा, बस टेंशन तो थी ही, बट मैं काफ़ी टाइम से आ गया. तो और चेकिंग के टाइम ऐसा कुछ किसी ने डांटा वाटा नहीं. एक दो लोगों को डांट भी पड़ रही थी, उनको देख के डर लगता है बेचारे जिनको डांट पड़ रही है, उनको क्या लगता होगा. नहीं, हाँ, है ना, तो है, सही बात. हाँ, बट मेरा सब स्मूथली गया. मैं बैठा एंड मेरे एक टीचर ने बोला था कि जब आप जाओ एग्जाम हॉल में, पेपर स्टार्ट करने से पहले जब आपके पास टाइम हो तो आंखें बंद करो और बस ये सोचो कि 2 साल आपने किया क्या है. 2 साल आपने क्या किया है और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन लोगों ने क्या क्या किया है आपके लिए, और अब आप उनके लिए क्या करने जा रहे हो. सो बी थैंकफुल टू देम फॉर बीइंग इन एवरी पार्ट ऑफ योर जर्नी, है ना. एंड बी थैंकफुल टू योर ऑनेस्टी, थैंकफुल टू योर हार्डवर्क. Right. ये सब आपने 2 साल जो किया वो वेस्ट तो नहीं ही जाएगा. राइट. सो उससे इतना पीसफुल फील हुआ कि मुझे बिल्कुल पेपर के टाइम एक भी मोमेंट बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं मिलने लगा. एंड इट वाज जस्ट लाइक अनदर मॉक टेस्ट फॉर मी. एंड उतने ही टाइम में खत्म हुआ जितना वहाँ पे होता था. इवन टीचर्स ने वॉर्न किया था मे बी आप ज्यादा कोशिश हो जाओ, पेपर थोड़ा देर में खत्म हो जाए. हो सकता है टाइम का प्रेशर बढ़ जाए, बट कुछ नहीं हुआ. इवन इंक्लूडिंग वो सब जो थंबप्रिंट वगैरह कराते हैं, अटेंडेंस शीट साइन कराते हैं, फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, उस पर भी मेरा उतने ही टाइम में खत्म हो जितना मेरा मॉक टेस्ट में खत्म होता था. ओह नाइस. तो मतलब आई थिंक आपने इतना ज्यादा मॉक टेस्ट दे दिए थे कि आपके लिए इट वाज जस्ट अनदर टेस्ट, मतलब वो हैबिचुएट हो गए थे एंड नर्वस नहीं हुए आप. आपने एग्जाम दिया और आई थिंक एग्जाम देते ही समझ आ गया होगा इस बार तो हो गया. हां, मतलब देते हुए समझ आ गया. बिल्कुल, मैंने आते कह दिया था मम्मी पापा का, मम्मा एम्स का है. ओह वाओ, एक्सीलेंट. और आपका? मेरा भी एग्जाम दिया तो बहुत अच्छा था. लाइक मैं बताया कि मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मैंने तो एक दिन पहले अपनी मम्मी को बुला लिया था क्योंकि आई जस्ट वॉन्टेड टू बी प्रिपेयर्ड कि इन केस आई डू पैनिक तो मेरे पास कोई हो. क्योंकि एट दैट सेम टाइम भाई जैसे कि मैं बोलती थी, मैं दोस्तों पर बहुत डिपेंडेंट थी, बट भाई उस टाइम मेरे दोस्तों का भी एग्जाम था, आई डोंट वॉन्ट डिस्टर्ब देम. तो मैंने अपनी मम्मी को बुला लिया था एंड जैसे हमने ताश से बोला कि उसने एक दिन पहले नहीं पढ़ा. मैं इतनी काम इंडिविजुअल लगी हूँ, मुझे बहुत टेंशन होती है पेपर से पहले. तो मैंने तो पूरे दिन पढ़ा था और मैंने तो एग्जाम के जाते वक्त मैंने कार्ड में बैठ के भी पढ़ाई की है. मतलब लाइक नॉट पढ़ाई बट अपने जो भी शॉर्ट नोट्स उन्हें रिवाइज करना. क्योंकि द थिंग इज कि अगर मैं खाली बैठूंगी तो मेरे को पेपर की टेंशन होगी और मेरे दिमाग में बातें आएंगी कि पेपर है मेरा और मेरे नंबर कम हो गए और मैं नहीं हो पाया. तो ये सब सोचने से अच्छा मैं पढ़ लूँ क्योंकि मैं पढ़ने को हैबिचुएटेड हूं. आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑल द व्हाइल जब मैं नहीं पढ़ रहा था नीट के दिन कि मैं पेपर के बाद क्या करूंगा. तो उस दिन एंड जैसे नताशा ने बोला ये स्ट्रेटेजी वर्क फॉर मी ऑल्सो कि मैंने भी जैसे कि आप जब एरर एनालिसिस करते हो ना तो जैसे कि मैं जनरली एरर एनालिसिस की एक नोटबुक बनाती थी बट मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू रिवाइज दैट नोटबुक इन माई लास्ट टाइम. तो मैंने भी यही किया कि मैंने वॉल पे
एक चार्टे पर चिपकाया, उस पर ढेर सारे स्टिकी नोट्स और व्हाटएवर आई फॉरगेट. तो मैं आई मेड श्योर, और मैंने कई लाइक जैसे आपने बोला मॉक टेस्ट ना, तो मैंने कई मॉक टेस्ट से पहले ये आदत डाली कि मॉक टेस्ट के पहले जो भी टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ उसके मॉक टेस्ट के एक दो घंटा तीन घंटा पहले मैं सब छोड़ के वो जो चिट्स मैंने चिपकाएंगे नोट्स चिपकाए उन्हें रिवाइज करूंगी. सो लाइक ऐसे आप अपने को हैबिट में डालो, हर मॉक टेस्ट को आप नीट की तरह देने की आदत डालो, तो आपको नीट वुड फील लाइक जस्ट अनदर, ऑल्दो इट वुड नेवर फील लाइक जस्ट अनदर एग्जाम बिकॉज इट इज नॉट जस्ट एनी एग्जाम. बट यस, आप जब पेपर देखो, जब जैसे मैं जा रही थी मेरे को लग रहा था हाँ नीट है नीट है नीट है, मैं गई, मैं फ्रिस्किंग के प्रोसेस के थ्रू गई, मैंने जैसे कि मैंने बताया मैंने जेई दे रखा था, तो उसका मेरे को ये एडवांटेज हुआ कि मेरे को पता था मेरे साथ क्या होना है. सो लाइक ऑल दिस वाज नॉट न्यू टू मी बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके लिए लाइक दिस चेकिंग एंड ऑल इज वेरी, एंड आई वुड हाईली एडवाइस कि जो भी एनटी आपको गाइडलाइंस देता है उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाए कि जो भी लिमिट्स कुछ भी हाँ इवन लोगों का लोग सेंटर में कंफ्यूज हो जाते हैं. एग्जैक्टली वो क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे एक चेन ऑफ स्कूल उन्होंने कोलैप कर लिया एनटीए वालों ने, तो अब उस जो भी सिटी में जितने स्कूल है सब में एग्जाम हो रहे हैं, तो अगर दो डिफरेंट लोकैलिटी लोग कंफ्यूज हो गए कहीं गलत जगह पहुंच गए. सो वेल इन एडवांस निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है आपको वहाँ खाली बैठना पड़ेगा, आप बैठ जाओ खाली, आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए, आपको लेट नहीं पहुंचना है बिकॉज आपको नहीं पता, क्योंकि नीट वाले दिन ना आप अकेले नहीं हो, लाखों एस्पिरेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, बहुत भयंकर भयंकर जाम लगते हैं, लोगों की बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कहानियां आती है नीट डेज की. आई वाज थैंकफुली ब्लेस्ड कि मैं टाइम से पहुंच गई, सो आई वेंट टू द फ्रिस्किंग प्रोसेस, में जाकर आराम से क्लास में बैठी. एंड लाइक वही बात है कि उस टाइम जब आप खाली हो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस टाइम प्लीज कुछ याद करने की मत कोशिश करना कि वो इनऑर्गेनिक का ग्राफ नहीं याद आ रहा, वो ट्रेंड नहीं याद आ रहा, बायोलॉजी का वो एमसीक्यू नहीं याद आ रहा, उस टाइम नथिंग मैटर्स, पेपर हाथ में आएगा आपको सब याद आ जाएगा. अभी फालतू में ये सब सोचने से अच्छा लाइक आई पर्सनली मैं तो उस टाइम प्रे कर रही थी, लाइक मैं एक घंटा बैठी होगी तो थ्रू आउट दैट वन आवर आई वाज कंटिन्यूअसली प्रेइंग एंड आई वाज नॉट थिंकिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई फाउंड पीस इन दैट. सो दैट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज वेन द एग्जाम स्टार्टेड, जैसे मैं हमेशा मॉक टेस्ट देती थी वैसे ही मैंने स्टार्ट किया एंड लाइक आई डिडंट पैनिक एट ऑल. जो भी अपना तरीका है मैंने उस तरीके से, हर किसी का तरीका भी अलग होता है, तो अपने तरीके से आप एग्जाम दो. एंड वही है, थ्रू आउट द एग्जाम आई गेव द एग्जाम कामली, मेरा टाइमली हो भी गया, मेरी OMR भी भर गई थैंकफुली. मेरे से OMR मिस्टेक्स भी बहुत होती थी मॉक टेस्ट में, बट थैंकफुली मेरे से नीट में एक भी OMR मिस्टेक्स भी नहीं हुई. सो एग्जाम देके पता था आपको कि मेरा, हाँ एग्जाम देके मेरे को पता था कि मेरा एग्जाम अच्छा गया, ये तो नहीं था कि मम्मी आप अगर मैं ये बताऊँ इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है, अवकाश है हिम्मत वाला मेरे अंदर नहीं है, बट हाँ बहरहाल मुझे ये पता था कि एग्जाम मेरा अच्छा गया है. सो यस एग्जाम डे मैटर्स अ लॉट. एग्जाम डे के अगर इतना पैनिक हो जाओ तो अच्छे अच्छे बच्चों का एग्जाम खराब हो जाएगा. आई थिंक अमृताश ने बहुत अच्छी चीज ये बोली कि उन्होंने आंखें बंद करके बस ये सोचा कि दो साल क्या किया, और अगर ऑनेस्टली उस चीज का आंसर आपको पता है कि मैंने मेहनत की, मैंने कहीं झूठ नहीं बोला, मैंने अपने साथ चोरी नहीं की, मैंने किसी को झूठ नहीं बोला, आपको पता है आपने तैयारी की है, तो यू विल गेट एन ऑनेस्ट आंसर और वो आपको अपने आप काम कर देगा कि भाई हो जाएगा, राइट, नथिंग टू वरी अबाउट. Exactly. तो फाइनली स्कोर्स तो आपको घर जाके पता ही चल गए होंगे क्योंकि कितने आने हैं कितने नहीं आने हैं. आपका कैसा रहा कॉलेज लाइफ का पहला महीना, जो ड्रीम्स लेके आए थे वो पूरी हुई? नहीं. कौन सी रह गई? आई गेस काफी रह गई क्योंकि हाँ मतलब टाइम लगता है, एक तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है, बट हाँ इतने सारे नए लोग मिलते हैं उनसे भी बातचीत करने में भी शुरू में हिचकिचाहट होती है, धीमे धीमे आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, है ना. और प्लस ये रहता है कि जो इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेटेड आप पहले एनवायरनमेंट में रहते थे अपने सेल्फ रेगुलेटेड हो या किसी ने इम्पोज किया हो जैसा भी हो नीट के टाइम, वो सब अचानक से छूट जाता है. तो आपकी हैबिट्स कहाँ से कहाँ जा रही है आपको पता नहीं चलता. तो आई गेस इन ब्रॉड वो जो जनरल फीलिंग थी कॉलेज की वो तो आ रही है, बट हाँ जो स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस थी लाइक वो अभी आएगा. मुझे भी लाइक इन द फर्स्ट मंथ ऑफ माय कॉलेज लगा था मैंने सोचा मैं ये सब कर लूंगी, नहीं हो पाया, बट नाउ लाइक 4-5 months लेटर ऑन सब हो गया, मतलब लाइक व्हाटएवर आई एक्सपेक्ट आई गेट. सो ऐसी कॉलेज लाइफ इज लाइक बहुत इंजॉयबल लाइफ है एंड इट्स टोटली वर्थ इट. मतलब दो साल की मेहनत, वही मैं तो यार मैं तो जब जैसे कि कभी अपने जूनियर्स से बात करती हूँ तो मैं तो नहीं ये समझाती हूँ कि या तो यार इन दो साल मेहनत करके लाइफ भर इंजॉय कर लो या फिर इन दो साल इंजॉय, क्योंकि कई लोग होते हैं कि 11th 12th में कि यार इंजॉय करना है अभी अपना फेज है फिर कॉलेज चल जाएंगे, या तो इन दो साल आप
एंजॉय कर लो, फिर बाकी लिए स्ट्रगल कर लो, बाद में पढ़ते रहना. एग्जैक्टली. तो अगर आप ये दो साल अच्छे से डिलिजेंटली और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर लो, योर लाइफ कैन बी वेरी इजी एंड वेरी एंजॉयबल. राइट राइट. तो मैंने यहाँ बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं और आई थिंक ऐसे स्टूडेंट्स के भी किए हैं जिन्होंने थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, फिफ्थ अटेम्प्ट में जाके क्लियर हुआ है. एट द एंड दे जस्ट रियलाइज्ड व्हाट यू रियलाइज्ड इन द इनिशियल टू इयर्स, कि डिलीजेंटली पढ़ना है, स्केड्यूल फॉलो करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. स्टूडेंट्स को जब बाद में वो समझ आया उनका, तब नीट क्लियर हुआ. जिसे पहले समझ आ गया उनका नीट पहले क्लियर हो गया. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है. अच्छा, हमने मेडिकल कॉलेज की रैगिंग के बारे में बहुत सुना है और हमारा आइडिया तो मुन्ना भाई एमबीबीएस देख के बना था. ऐसा होता है. आप लोगों की रैगिंग कैसी थी? मतलब आई नो कि उसको शायद एक सोफिस्टिकेटेड टर्म दे दिया है जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं कुछ कॉलेज में. मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं. तो कैसा था वो, मतलब आप बताइए अमृतांश. ज्यादा तो नहीं बता सकता बट इतना नहीं होता जितना मूवीज में दिखाते हैं. Exactly, बहुत like, हाँ, थ्री इडियट्स और मुन्ना भाई में जो दिखाया है वो तो बहुत ज्यादा है. आपके साथ क्या हुआ था? थोड़ा सा हिंट. थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत क्लोज जाता है बट वट एवर हैपेंस इट हैपेंस इन द डार्क. नहीं, एंड लाइक मेरे को पर्सनली लाइक जितना मैंने कॉलेज एक्सपीरियंस से दिखा है, जब मेडिकल कॉलेज में बच्चे आते हैं ना, दो साल सिर्फ पढ़े होते हैं. दे हैव नॉट एट ऑल एक्सपीरियंस लाइफ. दे डोंट नो हाउ टू एंजॉय देमसेल्व्स एट मेनी टाइम्स. तो उनके लिए थोड़ा रैगिंग एंड इंटरेक्शन बिकम्स एसेंशियल टू ओपन देम अप. मैंने अपने बैच में कई लोग देखे हैं जो आए थे तो फर्स्ट डे लाइक लड़कों में लड़कियों से उनसे बात नहीं करी जा रही थी, बट लाइक टू थ्री मंथ लेटर ऑन दे आर वेरी ओपन टू अस. तो यस, इट डज हेल्प इन लाइक इंसान को एक ओपन अप करती है वो चीज़. क्योंकि कई लोग, जैसे कि हम लोग तो हॉस्टल में रहे थे लाइक 11th 12th में, कई लोग पूरे टाइम 12 साल से घर पर रहे, पहली बार घर से निकले हैं. तो उनके लिए ऑल दिस स्पेशली लाइक दिल्ली जैसे शहर की लाइफ इज वेरी फास्ट. सो उनके लिए वो कूप अप करना इज नॉट इजी. सो समटाइम्स एंड सीनियर्स हमारे जो भी होते हैं वो हमसे एक दो साल ज़्यादा रहे होते हैं उस एनवायरमेंट. सो दे नो कि वॉट इज गुड फॉर अस एंड वॉट इज बैड फॉर अस. एंड एट द सेम टाइम मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है. मेरे को कभी कोई मतलब हाउ शुड अ स्टूडेंट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? आई नो इट स्टेज इन द डार्क बट इफ यू कैन जस्ट गिव अ हिंट. इट्स नॉट लाइक इट स्टेज इन द डार्क बट द बेस्ट वे टू बी प्रिपेयर्ड इज नॉट टू बी प्रिपेयर्ड. या आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन, देन टेक इट एज इट कम्स एंड एंजॉय स्टफ. इनिशियली आपको जब आप कॉलेज में आओगे तो मे बी ऑल दिस माइट सीम वेरी फॉरेन टू यू, बट धीरे धीरे यू लर्न टू एंजॉय एंड इट क्रिएट्स ग्रेट मेमोरीज. राइट, दैट्स वन थिंग. व्हाट हैपेंड विद यू? या हां, इंटरेक्शन सभी का होता है. व्हाट हैपेंड विद मी? या What happened with me, basically, like हम लोग तो जैसे कि सीनियर्स से ज्यादा जाते हैं. सो हम लोग इनिशियली, क्योंकि सीनियर्स हमारे दिमाग में क्या इमेज होती है कि मैम और सर हैं, उनसे बात नहीं कर सकते. बट जब आप उनके साथ बैठते हो ना, यू गो टू देयर रूम, सो यू रियलाइज कि दे आर ऑल्सो स्टूडेंट्स लाइक यू. यू टॉक टू देम, यू लर्न अबाउट देयर लाइफ, यू शेयर योर लाइफ एक्सपीरियंसेस. सो एक तरीके से आपके बीच में बॉन्डिंग क्रिएट होती है. एंड ये बॉन्डिंग इतनी काम आती है, लाइक हम लोग के जब पेपर आते हैं, सो ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेजेस आर नॉट लाइक स्कूल्स. इस टाइम ये नहीं होता कि टीचर आपको बता दे सिलेबस इज वाइड, सिलेबस इज एंडलेस. इस टाइम आपको सीनियर्स ही आके बताते हैं, एंड आपके जिस सीनियर से जितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है वो आपको उतना अच्छा जाता है. तो वो जानता है कि हाँ, बरीरा ऐसे पढ़ती है तो मैं बरीरा को ये पढ़ने को बोलूंगी तो उसका पेपर पास हो जाएगा. तो दैट बिकम्स वेरी हेल्पफुल. आपकी आप मेडिकल कॉलेज लाइफ में आप रियलाइज करोगे जैसे आओगे कि सीनियर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड इवन डेली लाइफ में. बिकॉज कभी कभार जैसे कि अमृतांश ने बोला कि आप कॉलेज आते हो तो आप पे सारी लिमिट्स हट जाती हैं. तो एट टाइम्स इतनी ज्यादा लिमिटलेस लाइफ हो जाती है ना कि आपके पेरेंट्स को भी कुछ नहीं पता है. तो देर शुड बी पीपल, बिकॉज देर आर एट टाइम्स इश्यूज यू कैन नॉट डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड मे बी आप फ्रेंड्स से नहीं डिस्कस करना चाहो. सो एट द सेम टाइम, एट दैट टाइम सीनियर्स आपके बहुत काम आते हैं क्योंकि दे हैव might have been in your shoes at some point, so they would know how to help you. But my question was, what happened during your ragging? Yeah. What happened during that time? What happened during my ragging? Like how it happens? Like first of all, हमारे यहाँ तो like aims में कोई ऐसा physical ragging का culture नहीं है. हमसे तो like there are very fun tasks. आपको बोल देंगे किसी को propose करने को, किसी को love letter लिखने को. So like basically. So you open up ना? हाँ. You open up. You open up exactly. मैं like personally I was this person who was very anti to relationships and I was like नहीं, ये सब तो गलत काम है. But college में आके all this stuff made me realize that it's chill, it's fine. ऐसा कुछ stigma नहीं create करना है. Yes, I was asked to write love letters, proposals. So that's actually very fun. Now that I look back at it, I enjoy it. क्योंकि मेरे को लगता है कि यार like we discussed it, हम लोग कभी friends में साथ में कुछ किया, then भी हमें याद आता है यार हमने उस दिन ये किया था. And हमारे seniors को हम देखते हैं, they recall their memories. So it actually creates really fun college experiences. आपके साथ क्या होता है? यही हमसे भी similar चीजें कराते हैं, but हम लोगों की कुछ चीजें ऐसी हैं जो I guess जो aims आए वो वही experience करे. Boys के साथ थोड़ा सा ज्यादा होता है. Okay. Basic चीजें same हैं जो बरीरा के साथ, तो वो हम लोगों ने भी करी हैं.
ठीक है, तो बेसिक आपको मैंने आइडिया दिलवा दिया यहाँ पे कि क्या होता है रैगिंग में, बट एंड इट्स नॉट अ रैगिंग, मतलब आई थिंक रैगिंग जो वर्ड है थोड़ा डिमीन हो गया बिकॉज ऑफ द इंस्टेंसेस दैट हैपेंड इन द पास्ट, बट इट्स अबाउट बॉन्डिंग विद योर सीनियर्स, आप उनको जानते हो उनके साथ बॉन्ड बहुत जरूरी है। आई वुड से इट लाइक एवरी ईयर इट गेट्स बेटर एंड मोर फ्रेंडली टू द स्टूडेंट्स बिकॉज एज वी प्रोग्रेस हमें रियलाइज होता है, मान लो किसी के साथ कोई चीज हुई तो दे रियलाइज कि नहीं हमें ये नहीं करनी, सो एवरी ईयर इट प्रोग्रेसेस एंड बिकम्स बेटर, राइट राइट राइट, ठीक है, एंड इसको कोई स्टिग्मा बना के नहीं रखना, इट इज ऑल वेरी फन फन, राइट राइट, अंटिल एंड अनलेस इफ कोई ज्यादा एक्सट्रीम जाने लगे तो वो आपको पता भी चल जाएगा, उसके लिए तो काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, बट इट्स फन, सो वो आपका फन पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हो गया। अच्छा, मेस का खाना कैसा? मतलब आप लोग हॉस्टल में रहे हो? एग्जैक्टली यही कहना चाहूंगा, मेस के खाने जैसा है। आई थिंक वो रीजन है, उसको एक मेस बोला गया ना। एग्जैक्टली वो मेस क्यों है, जब मैं हॉस्टल में रहता था तो हमारे से बोलते थे वहां की मिक्स वेज ऐसे बनती थी कि वो शाम में जाता था सब्जी लेने, वो बोलता था जो बचा है जो खराब है वो दे दो मैं उसकी सब्जी बना दूंगा। तो ठीक है, मैं समझ गया मेस का खाना कैसा है। तो लाइक एक बार मैंने शाही पनीर ऑर्डर किया था। अच्छा, तो दिस इज़ अ फनी स्टोरी, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मैंने फ़ोटो भेजी, मम्मा इस पर तो बस शाही है पनीर का है। नहीं, तो हमारे से कि एम्स में बहुत सारी मैसेज है, तो कुछ मैसेज का खाना अच्छा भी होता है। अच्छा, हाँ, कुछ का मतलब लाइक पैलेटेबल होता है, पैलेटेबल होता है, हाँ, खा सकता है इंसान, डाइजेस्ट कर सकते हो, और बाकी का ये है कि नहीं हो पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, यहाँ से जली है, यहाँ से कुरकुरी है, कभी गोल रोटी मिले ना। गोल रोटी की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, नहीं रखते। हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशन हम उसी हिसाब से कर लेते हैं कि रहने देते हैं, अब तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो सबसे ज्यादा तो घर के बारे में इंसान घर का खाना ही मिस करता है। राइट, हाउ डज द डे in the life of an AIIMS Delhi student looks like, how does an ideal day look like? ideal day or normal day? तो आप ideal बताओ, आप normal बताना। ideal day is like मेरा schedule ये रहता है कि अभी तो winter चल रही है, वैसे summers के time मेरा ये था कि सुबह उठूँगा करीब 7 के around, at least आधे घंटे की walk पे जाऊँगा, वापस आके breakfast and then off to lectures at 9 to 1 होता है, 1 से 2 break होता है and then 2 से 5, तो ये अब winter के चक्कर में नींद थोड़ी ज़्यादा आती है, तो walk तो गई, तो walk तो गई, right, शाम को थोड़ी कोशिश करता हूँ अच्छे से जैकेट पहन के जाने में क्लास के बाद, उसके बाद तो सोते हैं बढ़िया। कितने बजे तक? तो फिर हाँ, पूरा दिन बताओ कि जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए, जब तक राइट। एंड हाउ डज अ नॉर्मल डे लुक लाइक? देखिए, नॉर्मल डे तो ऐसा जाता है, अब जैसे कि विंटर्स का अगर मैं आपको बताऊँ तो ठीक है, सुबह उठे, अगर पहली क्लास मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तब ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। दूसरे डे पर तो आज ही अमृताज को टेक्स्ट किया था कि जब लेक्चर फर्स्ट लेक्चर हो जाए मेरे को बता देना, मैं आ जाऊँगी सेकंड वाले में। तो हाँ, वेरी करता है। तो आप जैसे सुबह उठे तो मैं तो देख, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम, नींद इज ग्रेटर ग्रेटर। तो यस, तो फिर सुबह गए क्लास में, गए ऑब्वियसली लंच किया हमने, एक से दो लंच किया, फिर हमारी 5 बजे क्लासेस ख़त्म होती हैं, तो 5 बजे हम जाते हैं, फिर हमारे नेस्कैफे है, हम वहाँ कॉफ़ी पीने जाते हैं, हम वहाँ 1 घंटा आपस में बातचीत करते रहते हैं, तो उसी में 6 बजे जाता है। फिर वेरी करता है, अगर मैं एक दिन पहले नहीं सोई हूँ तो मैं जाके सो जाऊँगी, बट रिसेंटली लाइक मैंने रिसेंटली जिम करना स्टार्ट किया है, तो फिर मैं 1 घंटा जाती हूँ जिम, एंड उसके बाद आके भी ऐसी हम लोग बातें करते हैं फ्रेंड्स में आपस में कभी। अब तो मैंने इंस्टाग्राम भी डाउनलोड कर लिया, तो मैं इंस्टाग्राम चलाने लग जाती हूँ, उसमें बहुत टाइम निकल जाता है मेरा। फिर वही कहीं डिनर गए, किसी दिन हम लोग कभी मान लीजिए छुट्टी है अगले दिन, तो हम लोग बाहर घूमने चले जाते हैं, तो हम लोग बाहर घूमने चले गए। फिर वही शाम को अराउंड लाइक 10, अगर नॉर्मली बाहर घूमने नहीं गए तो आई ट्राई कि मैं 9:30 लाइक 9 बजे मम्मी आपा से बात की, फिर 10 बजे तक 9:30 तक पढ़ने बैठने का मैं ट्राई करती हूँ। तो उसने फिर हमें जनरली मैं ही ट्राई करती हूँ कि जो लेक्चर उस दिन पढ़ाया गया उसको पढ़ लूँ, बहुत रेयरली पढ़ाई हो पाती है डेली बेसिस पे, बट यस आई डू ट्राई, एटलीस्ट 1 घंटा तो मैं दिन का पढ़ लेती हूँ डेली बेसिस पे। ऑब्वियसली दैट वेरीज, कभी कभार वो 3-4 घंटे अच्छी पढ़ाई हो जाती है, वही क्योंकि नीट वाला फेज नहीं है ना ये, तो आप यू कैन एंजॉय लाइफ, और आई थिंक आपको कहीं ना कहीं आदत तो लगी गई है नीट के टाइम तैयारी करते हुए। एग्जैक्टली, ये बात है, पढ़ने की रूटीन उस चीज को वो काम आता है जस्ट बिफोर एग्जाम, काम आता है, बट एक ये रहता है कि हमने 2 साल
इतना खुद को बांध के रखा है तो आप बांध के रख नहीं सकते. एग्जैक्टली. एंड रखना भी नहीं चाहिए बिकॉज लाइक जैसे कि मेरे फैमिली मैंने बताया ना बहुत डॉक्टर है तो सबने मेरे को जैसे कि जो मेरी मासी वगैरह है उन्होंने तो मेरे को कॉलेज आने से पहले यही एडवाइस दी थी कि बेटा एंजॉय कर लेना बिकॉज इट नेवर गेट्स ईजियर. यू विल ऑलवेज एज अ डॉक्टर यू विल ऑलवेज गेट मोर बिजी. आप पीजी में जाओगे जी आरशिप करोगे आपकी नाइट ड्यूटीज भी लगेंगी आप एसआर बनोगे या आप जो भी बनो आप डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में जाओ इट विल यू विल ऑलवेज गेट मोर बिजी. तो अगर आप ऐसे हर टाइम कंपटीशन में लगे रहे या सिर्फ और सिर्फ अपने को ऐसे बांधने में लगे रहे तो आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे एंड यू विल हैव रिग्रेट्स लेटर ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एनसीईआरटी एग्जेम्पलर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं तो मैंने तो पर्सनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कभी बहुत ध्यान नहीं दिया बट लाइक अगर आप एनसीईआरटी एग्जेम्पलर डालो तो एक शॉर्ट 20 एमसीक्यूज का एक पीडीएफ आता है नेट पे उतना तो मैं कर लेती थी. ठीक है. एंड At many points I've seen NCERT exemplar questions are beyond point वो NCERT क्योंकि NCERT exemplar questions बहुत पुराने बने हुए हैं और NCERT तब से edit हो चुकी है तो उससे काफी portion हट चुका है तो many questions में से irrelevant जो irrelevant दिखे जो आपको लगे आपने कभी NCERT में नहीं पढ़ा उसको आप छोड़ दो but yes sometimes you can get very good questions and आपको NCERT कई points realize हो सकते हैं exemplar से. तो yes exemplar के एटलीस्ट जो स्टार्टिंग के 20 simple क्योंकि उसमें बहुत तरह उसमें मल्टीपल चॉइस भी होते हैं वैसे भी होते हैं उसके 20 MCQ एंड उसमें भी NCERT एग्जाम्पल में भी assertion reasons होते हैं. तो उतना एटलीस्ट आई थिंक अगर इंसान के पास टाइम है तो कर सकता है. केमिस्ट्री में प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बैंक है एग्जाम्पलर में तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है. प्लस बस एक डिसएडवांटेज है एग्जाम्पलर का कि वो रिवाइज नहीं हुई है बहुत टाइम से तो उस पर जो मिस्टेक्स हैं वो करेक्ट नहीं हुई है तो जहाँ भी आपको कहीं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना आंसर में डिस्क्रिपेंसी लगे कहीं क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी लगे तो आप टीचर से जरूर पूछें. बिल्कुल. राइट राइट राइट. ठीक है. नेक्स्ट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट क्वेश्चन. What's the rank and marks required to get into AIIMS? But I think this question vary कर जाता होगा. बहुत vary करता है. एक question आप 2020 में देख 2022 में देख लो 23 में फिर जमीन आसमान का अंतर आ चुका है. Like 710 पे इस बार कहाँ तक rank गई है? 70s 80s में रैंक गई है उसमें 710 पे. okay. और मेरे 710 है मुझे एम्स मिला है कई ऐसे 710 है एम्स नहीं मिला. ऑब्वियसली वो एनटीए के क्राइटेरिया होते हैं कि वो पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर एज बहुत सारे क्राइटेरिया उसमें आ जाते हैं कम इन टू प्ले. बट यस आजकल रैंक इन्फ्लेशन बहुत खतरनाक चल रहा है. एम्स ने बेसिकली अगर मैं सीट्स का आइडिया दूँ तो देख बेसिकली 132 सीट्स हैं जिसमें 125 हमारी इंडिया की हैं 7 एनआरआई कोटा की सीट्स हैं एंड जनरल में आई थिंक 49 सीट्स. हाँ 49 सीट्स जनरल में आ जाती हैं फिर बाकी आर रिजर्व फॉर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वगैरह. तो आई थिंक ये डेटा जो है ये काफी हेल्प करेगा आपको मतलब अगर आपकी टॉप 50 में एआईआर आ जाए तो आपको एम्स मिल जाएगा. हाँ तो 720 का ही टारगेट लेके चलें तो शायद आपको एम्स दिल्ली मिले और बाकी कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज़ दैट वेरीज. मतलब 710 प्लस आपको टारगेट आपको रहना चाहिए. राइट. एटलीस्ट एंड के पेपर्स में मेरा स्कोर यही रहता था 710 प्लस रहता था तो वहां से एक आपको एस्टीमेट मिल जाएगा कि आप नीट में कैसे करने वाले हो. ओके सो योर एडवाइस टू नीट स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव एग्जाम दिस ईयर. अब कितना टाइम बचा है? थोड़े महीने बचे हैं. 3 महीने है. हां सो बोर्ड भी आएंगे पहले. हाँ उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि बोर्ड को आप उसी डिलीजेंस से पढ़ो जैसे आप नीट पढ़ रहे हो क्योंकि सिलेबस आपका सेम है उतने चैप्टर्स आपके रिवाइज ही हो जाएंगे. सो बोर्ड में और आपको स्पेस बहुत मिलेगी तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि बैकलॉग अगर कुछ भी है तो उसको आप कवर कर लो. राइट. क्योंकि मैंने भी इसको यूज़ किया था क्योंकि बोर्ड अच्छा खासा एक महीना स्पैन कर जाता है तो उस पर बीच पे जितनी स्पेस मिलती है ऐसा तो है नहीं आप हर दिन बोर्ड का पढ़ते रहोगे एक दिन पढ़ के चल जाता है काम. सो वहाँ पे आप अपना बैकलॉग अपने वीक टॉपिक्स को ज़रूर कवर करो एंड उसके अलावा मॉक टेस्ट एनसीईआरटी रिवीजन एंड पीवाईक्यूज बस इतने पे ही खुद को फोकस करो. डोंट गो फॉर एनी अदर रिसोर्स क्योंकि इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर फालतू का पैनिक क्रिएट होगा प्लस आपका जो ऑप्टिमम रिवीजन है वो भी नहीं हो पाएगा. राइट. और आपका? मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि पेपर्स प्रैक्टिस करो विद ओएमआर फिलिंग प्रैक्टिस करो क्योंकि ओएमआर फिलिंग में बहुत मिस्टेक्स होती थी मेरे पर्सनली बहुत होती थी बबलिंग मिस्टेक्स. और अपनी ओएमआर स्ट्रैटेजी फिगर आउट करो हर किसी की अलग होती है. कुछ लोग साथ में बबल करते हैं मैं लास्ट में बबल करती थी कुछ लोग सेक्शन वाइज बबलिंग करते हैं तो ट्राई एवरीथिंग बिकॉज अभी ठीक है 3 महीने स्टिल
क्वाइट सम टाइम. यू डोंट वॉन्ट कि आप अपनी स्ट्रैटेजी लास्ट के एक मंथ में करो. आप अपने ऐसे बना लो कि जब आपका लास्ट का वन मंथ आए तो आपके पास अपनी सॉलिड नीट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर्ड हो कि मेरे को ऐसे एग्जाम देना है. तो वन मंथ में एंड में जितने मॉक्स हो आप सारे उसी तरह से दो जैसे आपको नीट देना है, ताकि आपकी उस तरह से प्रैक्टिस हो जाए, हैबिचुएट हो जाओ. right. तो पेपर्स देने हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम देने हैं, विद ऑन OMR देने हैं, एंड उसके बाद पेपर को एनालाइज करना है. अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो इट्स इक्विवेलेंट टू नॉट गिविंग द पेपर. तो आपको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एनालिसिस से जो भी आप अपने वीक टॉपिक्स फिगर आउट करो उनको आप क्वेश्चन तो तभी के तभी देखो, बट आपको एक जनरल पैटर्न, जैसे आपसे अगर लगातार 3 पेपर में रोटेशन का सवाल गलत होता है, इसका मतलब आपका रोटेशन पक्का नहीं है. तो फिर आप एक दिन रोटेशन लिख लो एक जगह, एंड अगले दिन आप रोटेशन को बैठ के 4-5 घंटा दे के अच्छे से चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, पूरा चैप्टर फिर से कंप्लीट करके रखो. दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो. एंड वन मंथ पहले ट्राई कि आप अभी जैसे अगर 3 महीने हैं तो अभी रिमेनिंग 2 मंथ्स में आप अपना वीक टॉपिक्स या एनालिसिस करके उन्हें वापस कंप्लीट कर लो, क्योंकि लास्ट का वन मंथ यू वॉन्ट टू लाइक यू वॉन्ट टू नॉट पैनिक इन दैट लास्ट वन मंथ, एंड आपको रिलैक्स होकर अच्छे से पढ़ना है उसमें. right, तो right. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आई थिंक क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देना एंड उनको एनालाइज करना, साथ में रिविजन करना, यही बरीरा और अमृतांश बोल रहे हैं आप लोगों को. तो व्यूअर्स, ये थे एम्स दिल्ली में पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट्स, पहली अटेम्प्ट में निकाला, काफ़ी ब्रिलियंट एडवाइस दी, काफ़ी अच्छा. आई थिंक उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, जो भी अभी नीट एस्पिरेंट्स हैं. एंड आपको समझ आ गया होगा इन दोनों से बात करके, इन दोनों का इंटरव्यू देख के, कि कितना फ़न है मेडिकल लाइफ कॉलेज में जाने के बाद. तो ये जो 2 साल हैं इनमें मेहनत करके अच्छे से आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे तो आपकी भी हेल्प होगी, एंड आई थिंक सोसाइटी एट लार्ज उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी. सो पूरा अपना 100% दो, वर्क डिलीजेंटली. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड वी वुड डेफिनेटली रिप्लाई टू देम. थैंक यू फॉर वॉचिंग दी होल एपिसोड. प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के साथ आते रहेंगे. थैंक यू सो मच.